जिला कलेक्टर पोखराज सेन की अध्यक्षता में आज मिनी सचिवालय के सभागार में महत्वपूर्ण विभागों की बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि शहर में पेयजल वितरण व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते हुए पेयजल आपूर्ति समानांतर रूप से करावें। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित पेयजल कनेक्शनों का शीघ्र निस्तारण करें, साथ ही शहर में पेयजल समस्याओं के संबंध में सभी परिवेदनाओं की सूची उपलब्ध करावें, जिससे परिवादी से रैंडम फीडबैक लिया जा सके। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि आमजन को निर्बाध रूप में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करावें। उन्होंने निर्देश दिए कि जीएसएस निर्माण के लिए लंबित भूमि आवंटनों का संबंधित विभागों से आपसी समन्वय स्थापित कर शीघ्र निस्तारण करावें। उन्होंने नगर निगम के सहायक अभियंता को निर्देश दिए कि शहर में पट्टों के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें और साथ ही शहर की साफ सफाई व्यवस्था पर भी विशेष फोकस करते हुए कचरा निस्तारण प्रक्रिया की भी प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा कर निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी निर्धारित समय सीमा से पहले गुणवत्तापूर्ण शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने पीएमओ को निर्देश दिए कि जिला अस्पताल व निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में बोरिंगों के लंबित कार्य को जलदाय विभाग के अधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र करावे। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दोनों ओर अनाधिकृत दुकानों को हटवाने की कार्यवाही करें। उन्होंने सभी एआरओ को निर्देश दिए कि जिले के समस्त चुनाव बूथों पर भाग संख्या एवं बीएलओ का नाम आदि अंकित करावे। उन्होंने सीडीईओ को निर्देश दिए कि जिले के ऐसे विद्यालयों जहां पर शौचालयों के मरम्मत नवीनीकरण की आवश्यकता है के कार्य को यथाशीघ्र करावे। इस अवसर पर एडीएम द्वितीय संतोष कुमार मीणा, एडीएम शहर नरेश सिंह तंवर, सीएमएचओ डॉक्टर श्रीराम शर्मा, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता संगीत अरोड़ा, सीडीईओ आरडी मीणा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।